यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे सीटेट एक्सपर्ट का ये 23rd सेशन है जिसमें हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी अधिगम और क्षमताओं के बारे में। आपने ये शब्द सुने होंगे जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, अफेजिया, ADHD, ऑटिज्म, इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन के लर्निंग डिसेबिलिटीज में आता है, यानी समावेशी शिक्षा जब हम पढ़ते हैं तो ये इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटीज हो, चाहे वो आपका गिफ्टेड बच्चा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का ऑडियो यानी ऑडिटरी कोई एक प्रॉब्लम है बच्चे को तो वो है, या फिर अगर कोई विजुअली उसको कोई प्रॉब्लम है, मतलब सारी जो समस्याएं हैं हर तरह की, अच्छी और बुरी चीज़ें इंक्लूसिव एजुकेशन में आती हैं, मतलब जो लिमिटेशंस और जो पॉजिटिव्स हैं सारी चीज़ें। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज अपने आप में अच्छा टॉपिक है, 3 नंबर तो मिनिमम है। अगर पूरे पेपर की बात करूं, इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ CDP में ही आएगा, ये आपका हिंदी इंग्लिश में भी एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये CDP में भी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, और कई बार मैथ्स पेडागोजी में भी डिसकैलकुलिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। मतलब टोटल पेपर में 4 नंबर का आराम से हम कह सकते हैं ओवरऑल, अगर सीटेट की बात करूं, बाकी कहीं और बात करूं तब भी 3 नंबर तो आ सकते हैं। तो डिस्कस करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 46 के अराउंड आई थिंक क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। बाकी एग्जाम आपका अब पास में ही है तो कोशिश करेंगे थोड़ा और बेहतर सीख पाए, है ना। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। कल इलेक्ट्रिक कट के कारण सेशन नहीं हुआ क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड जो है लोड नहीं ले पाता इन्वर्टर से, मतलब। लेट्स लर्न स्क्वाड आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं और वहां आपको डेली PDF मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, होपफुली कोई बफरिंग जैसा कोई इशू नहीं होगा आपके सामने। ये देखिएगा एक बार क्वेश्चन है, देखिए एक बार पढ़िए क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन, देखिए ग्रेट, आप लोग अभी ज्वाइन ही कर रहे हैं, कर लीजिए, मैं एकदम अच्छी हूं, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। चलिए फिर कल की पूरी कसर आज ही करेंगे, कमी पूरी करेंगे पूरे तरीके से। क्वेश्चन देखिए, मैरी क्रिसमस आप सभी को, जितने भी लोग मानते हैं, जितने भी लोग तुलसी दिवस में विश्वास रखते हैं उनको, वो बेसिकली कुल मिला के बात यह है, पॉजिटिविटी और खुश होने के लिए मौके होने चाहिए और कई बार बिना मौकों के भी खुश होना चाहिए, तो यही है फेस्टिवल्स का सार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये जो मैचेस बनाए हुए हैं कि कौन सी एक चीज किस लर्नर के बारे में विशेष रूप से जोड़ी जा सकती है, कौन सी एक चीज, कौन सी एक विशेषता किसी एक पर्टिकुलर लर्नर की होगी। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं, डिसकैलकुलिया होता है कैलकुलेशन से रिलेटेड, डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से रिलेटेड, डिसग्राफिया होता है लिखने से रिलेटेड, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं अफेजिया, जो स्पीच डिसऑर्डर कहते हैं जिसको, डिस्प्रेक्सिया होता है मोटर स्किल्स से रिलेटेड, इसको हम रिवाइज भी कर लेंगे अंत में, ठीक। बताइए फटाफट से, आप लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन। देखो, जिसको सुनने में समस्या है उसको देखने में थोड़ी है, तो ये कह देना कि विजुअल इन्फॉर्मेशन को वो समझ नहीं पाएगा, ये तो गलत होगा, है ना, ये तो बेवजह की बात होगी, लॉजिक नहीं है इसमें। बात हो रही है हियरिंग इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड का मतलब है वो बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत है, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगम करता, तो ऐसे बच्चे को हियरिंग लॉस होगा, ना कि विजुअल लॉस या विजुअल इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करने में प्रॉब्लम। फिर है डिसलेक्सिक लर्नर्स, यानी पठन अक्षमता वाले जो बच्चे हैं वो हाइपर एक्टिव पाए जाएंगे और काम को करने में स्लो पाए जाएंगे। हाइपर एक्टिव मतलब है जरूरत से ज्यादा एक्टिव। हाइपर एक्टिविटी ADHD से जुड़ी हुई एक विशेषता है। ADHD क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ऐसा बच्चा अटेंटिव नहीं हो पाएगा, अटेंशन को अपनी एक जगह पर नहीं रोक पाएगा, अटेंशन का डेफिसिट है, कमी है, और हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, उछल कूद हर टाइम, क्लास में बैठ नहीं पाएगा चैन से। तो ये तो ADHD की बात है, डिसलेक्सिक की थोड़ी है। डिसलेक्सिक तो पढ़ने में समस्या होगी, रीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो भाई वॉज को 100 पढ़ेगा, गॉड को डॉग पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है, है ना। फिर है क्रिएटिव लर्नर्स। क्रिएटिव बच्चे कौन है? जो अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं और स्लो होते हैं काम करने में, ऐसा तो कुछ नहीं है,
क्रिएटिविटी का हाइपर एक्टिव होने से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और हाइपर एक्टिव होना एक समस्या है यदि 3 साल के बाद 4 साल के बाद भी ये बनी रहती है तो। छोटे बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं बट उम्र के साथ साथ बहुत ज्यादा बेचैनी जो है वो हाइपर एक्टिविटी में बदल जाती है। अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स, ये है ADHD, इनमें मोटिवेशन ज्यादा पाई जाएगी। कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, खुद बताइए फटाफट से, खुद बताइए। ये डिस्लेक्सिया को मैंने यहां जोड़ दिया है, खैर कोई बात नहीं, बट वो एक्सप्लेनेशन सही थी। आंसर क्या होगा इसका? आंसर इसका बी सही बनेगा। भाई मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया तब तो ये बात गलत ही है, लेकिन डिस्लेक्सिया के सामने जो कहानी लिखी हुई है कि डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन का मतलब है लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, ऐसे बच्चे को पढ़ने और लिखने में भी प्रॉब्लम होगी। अब आप कहेंगे आपने तो कहा था डिस्ग्राफिया होता है लिखने की प्रॉब्लम, ये तो डिस्लेक्सिक में ही लिख दिया। देखो अगर पढ़ने के साथ साथ लिखना लिखा हुआ है तब आप इसके साथ जा सकते हैं। रीजन क्या है? अगर कोई बच्चा पढ़ता गलत है क्या कोई भी संभावना है कि वो लिखेगा सही? अगर मैंने दिमाग को दिमाग ही पढ़ा है जीवन भर तो मैं दिमाग ही लिखूंगी, दिमाग क्यों लिखूंगी, है ना। तो अगर डिस्लेक्सिक बच्चे के साथ रीडिंग और राइटिंग दोनों की समस्या आ सकती है, क्यों? क्योंकि जो पढ़ता गलत है वो लिखेगा सही, ऐसा कोई तुक ही नहीं बनती। तो आंसर आपका बी ही बनेगा, जो बाकियों से सही है, बाकी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ठीक नहीं बन रहे, पेयरिंग ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सूटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, यानी अति संवेदनशील बच्चे कह लीजिए या वो बच्चे जो हाइपर एक्टिव हैं, अति सक्रिय हैं, उनको हेल्प करने का कौन सा एक तरीका सूटेबल नहीं है। हाइपर एक्टिव बच्चे को आप डील कैसे करेंगे? उसको छोटे टाइम स्पेन के टास्क दे करके, क्योंकि उसकी अटेंशन ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। तो आपको छोटा छोटा बजाय कि उसको आप 2 घंटे का काम दे दें, आप उसको कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स का काम देंगे ताकि धीरे धीरे उसकी अटेंशन स्पेन बढ़ जाए। ये होती है हाइपर एक्टिव बच्चे को डील करने का तरीका, कौन सा एक तरीका नहीं है, नॉट। पढ़िए और बताइए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, ये तो अच्छी बात है, ये तो करना चाहिए, ये तो सूटेबल काम है, और वहां लिखा है नॉट सूटेबल। क्वेश्चन ने जो पूछा है आंसर वही तो करेंगे हम। ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, मतलब दूसरे तरीके, भाई हो सकता है उसको पढ़ के समझ आ रहा हो, कुछ और तरीका अपनाएंगे, ये बात भी सही है। तो ये तो सही है तो इसीलिए गलत है क्योंकि तो हमसे गलत पूछा है। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, बिल्कुल सही बात है, इनके शेड्यूल में अगर हम डेली एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी जोड़ेंगे तो उससे जो एनर्जी है वो एक तरीके से एक एकाग्रता आएगी। लेकिन किसी भी बच्चे को किसी भी समस्या में फटकार लगाना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये तो किसी भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं है कि रेप्रीमेंडिंग देम फॉर ऑफन बींग रेस्टलेस, क्योंकि वो रेस्टलेस रहते हैं, हाइपर एक्टिव हैं, रेस्ट की पोजिशन में नहीं है, नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, उछलते कूदते रहते हैं, तो आप उनको डांटेंगे फटकारेंगे। RTE को याद कर लीजिएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, कॉर्पोरल पनिशमेंट, मुर्गा मुर्गी हम नहीं बनाएंगे। बच्चे को डांटना फटकारना कोई भी सॉल्यूशन वैसे भी नहीं है ना, डांटने से अगर ठीक हो जाए तो फिर बात ही क्या है। जैसे वो तारे जमीन पर जो मूवी है उसमें आप देखते हैं ईशान अवस्थी को हर कोई डांट रहा है ना, हालांकि उसको ADHD नहीं डिस्लेक्सिया था, लेकिन क्या डांटने से प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं, प्रॉब्लम तो जान के समझने से सॉल्व होगी। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के, ADHD को सॉल्व करने के ऊपर के 3 तरीके सही हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ADHD को ठीक करना है तो कौन से तरीके अपनाएं, तो आप कहेंगे ये 3 तरीके सही हैं। तो जब क्वेश्चन हम एक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हम एक क्वेश्चन को सिर्फ याद रख लें कि इसका सही आंसर क्या है, हमें बाकी के 3 ऑप्शन से भी तो सीखना है अगर सीखने लायक है तो, है ना। तो ये एक बात हुई, आगे बढ़ेंगे। Which one of the following behavior is an identifier of a child with learning disability? मतलब इन 4 ऑप्शंस में से किसकी विशेषता से आप ये समझ पाएंगे कि इस बच्चे को अधिगम अक्षमता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज किसी भी रूप में, किसी भी कारणवश बच्चा सीखने में अक्षमता है, उसके अंदर प्रॉब्लम है उसको। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका IQ कम है, ठीक है। बताइए, आंसर कीजिए फटाफट से। दीजिए आंसर कीजिए। बफरिंग, यार यहां से तो कोई बफरिंग नहीं है, लाइक शेयर करते नहीं हो और कहते हो बफरिंग है, हैं? कैसे मान लें आपकी बात। थर्ड का सी, राइटिंग BSD, बी को डी लिखना, सौ को वॉज को सौ लिखना, यानी रिवर्स में जा रही है राइटिंग, ठीक। 21 को 12 पढ़ना या लिखना। फ्रिक्वेंट मूड स्विंग्स, ये तो मूड रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, ये लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आएगा, है ना। अब्यूसिव बिहेवियर, ये फिर से लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आएगा। लो अटेंशन स्पैन एंड हाई फिजिकल एक्टिविटी, लो अटेंशन स्पैन तक तो ठीक था, बट बेसिकली अगर मैं बात करूं
तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पढ़ना लिखना समझना भाषा को इन सब चीजों में प्रॉब्लम होगी, मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होगी। ये अपने आप में अलग है, ये स्पेसिफिक एडीएचडी इज डिफरेंट। राइटिंग वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है एडीएचडी की, अगर मैं बात करूं तो। राइटिंग बी एस डी, बी को डी लिखना या पढ़ना, इस बच्चे को हम कह सकते हैं डिस्लेक्सिया है, ठीक, क्योंकि पढ़ता भी गलत है और लिखता भी गलत है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का ही एक हिस्सा हुआ। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, वो बच्चे जिनको अधिगम अशक्तता है, यानी कि सीखने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि बच्चे सीख नहीं सकते, बट इनको समस्या आएगी, समस्या का सामना करना पड़ेगा लर्निंग के कुछ एस्पेक्ट्स में, कुछ पहलुओं में। बताइए एक बार, बोर्ड तो क्लियर है यहां से, आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए, मेरे सामने इंटरनेट के थ्रू ही चल रही है, चीजें क्लियर है एकदम। चिल्ड्रन विद लर्निंग जिनका क्लियर हो लाइक शेयर करके बताओ, लाइक करके बताओ, चलो यहाँ पे नंबर इंक्रीज होने चाहिए। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज हैव लो आईक्यू, देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसको डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, उसको कोई आईक्यू की समस्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि आईक्यू कम है, मेंटली रिटार्डेड नहीं है वो बच्चा, बस सीखेगा अलग तरीके से। हैव रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, ये तो बिल्कुल ही निहायती गलत बात हो गई, रिटार्डेड नहीं है वो बच्चा। हैव कंफ्यूजन बिटवीन लेटर्स एंड अल्फाबेट्स दैट लुक अलाइक, भाई वो लेटर्स या वो अल्फाबेट्स जो लगभग एक ही जैसे दिखते हैं, वो उनमें कंफ्यूज हो जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, डिसलेक्सिया के लक्षण हैं, ठीक। इजीली रिकॉग्नाइज एंड कॉम्प्रिहेंड साइट वर्ड्स, ये बात भी कहना पता नहीं किस हद तक सही होगा, साइट वर्ड्स को वो पहचान लेगा, है ना। तो हम जाएंगे सी के साथ, हम जाएंगे यहां सी के साथ, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हमें लगता है कि भाई लर्निंग डिसेबिलिटी, वन ऑफ द लर्निंग डिसेबिलिटीज में से ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ चाइल्ड विद नॉर्मल इंटेलिजेंस शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग लैंग्वेज, एक बच्चा है जिसका इंटेलिजेंस लेवल नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि वो रिटार्डेड है, इडियट है, फीबल माइंडेड है, नॉर्मल है, एक एवरेज बच्चा है ये कह सकते हैं, उसको डिफिकल्टी हो रही है कहां, पढ़ने में और पढ़ करके भाषा को समझने में। बताइए क्या होगा फिर इसका आंसर, जल्दी से आंसर कीजिए। अरे धन्यवाद दिलीप सिंह, फटाफट से आंसर करो, पढ़ाई पे फोकस करो, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप फालतू के ऐसे कमेंट्स करो जिनका कोई अर्थ नहीं है। बताइए एक बार, एक बच्चा है जिसको पढ़ करके समझने में डिफिकल्टी होती है, आंसर कीजिए। कह सकते हैं नॉर्मल इंटेलिजेंस शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग लैंग्वेज, सिंपल है, डिसलेक्सिया है, पढ़ करके समझने में और पढ़ने में दोनों में दिक्कत है। डिसग्राफिया में राइटिंग की प्रॉब्लम है, राइटिंग की प्रॉब्लम है। डिसकैलकुलिया में कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, और डिस्प्रेक्सिया में मोटर स्किल्स, जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनमें प्रॉब्लम होगी, मोटर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम होगी बच्चे को, ठीक है बात। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है, फटाफट से आंसर कीजिए। काफी ज्यादा इंस्पायर हूं, अरे धन्यवाद, बेहतर करें आप अपने जीवन में अगर इंस्पिरेशन थोड़ी बहुत है तो। Which of these is a characteristic of a child with learning disability? Learning disability वाले बच्चे की कौन सी विशेषता है? IQ होगा 50 से कम, ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा। Bullying other children and engaging in aggressive acts, ये तो behavioral problem होती है ऐसे बच्चों में, इनको delinquent कहा जाता है ना? जो इस तरीके का व्यवहार में indulge होते हैं। Doing the same motor action repeatedly, यानी बार बार same motor action को करेगा, maybe। डिफिकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंटली एंड रिवर्सिंग वर्ड्स, देखो ये ऑटिज्म की समस्या हो सकती है, और ऑटिज्म जो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ना कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है बात। तो डिफिकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंटली एंड रिवर्सिंग वर्ड्स, वर्ड्स को रिवर्स कर देता है, वॉज को सौ बनाना, पढ़ने में समस्या है, ये मेन लक्षण हुआ, ठीक। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स वो हैं जो जन्म से ही या फिर जन्म के 2-3 साल, 4-5 साल तक पता लग जाते हैं कि ये किसी एक वजह से या तो हेरिडेटरी है या किसी एक कारण से है। इसमें यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये हेरिडेटरी ही होगा, किसी को भी हो सकता है। अ चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर्स इन राइटिंग लाइक रिवर्स इमेजेस, मिरर इमेजिंग एटसेट्रा, सच अ चाइल्ड इज शोइंग साइंस ऑफ,
एक बच्चा है जिसकी जो कॉपी है, जो उसकी नोटबुक है, उसने राइटिंग में गड़बड़ की हुई है, लिखने में चीजों को रिवर्स लिखा हुआ है। वही वही वॉज और सॉ का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सॉ लिखा हुआ है, डॉग लिखना था गॉड लिखा हुआ है, मतलब रिवर्स कर देता है वो वर्ड्स को, या मिरर इमेजिंग है, उल्टा बना रहा है। कौन से बच्चे की समस्या है ये? सिंपल है, लर्निंग डिसेबिलिटी है ये। इसके लिए एक टर्म है एलडी। किसने दिया था एलडी यानी लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द? आप कमेंट करके बताएंगे, अगर अभी भी किसी को याद है तो फटाफट से बताओ। सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड किसने यूज किया था? एलडीज, बताइए। अभी तक कमेंट नहीं दिखा है, प्लीज साइड हो जाओ। ठीक है यार, साइड हो जाते हैं, और बताओ। साइड हो जाती हूँ, थैंक यू ट्विंकल वर्मा। यार आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जेम्स को कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेमा किर्क लिखा है आपने रोहिताश, लेकिन उनका नाम है सैमुअल किर्क। ठीक है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, वेरी गुड। देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी एक टर्म है, जिस लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर भी डिसग्राफिया है बच्चे को, ठीक, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, डिसएडवांटेज, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। तो आंसर क्या है? अधिगम में अशक्तता, बी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट Associated with impaired handwriting is a symptom of, यानी कि deficiency है, कमी है किसमें? लिखावट में, लिखने में प्रॉब्लम है बच्चे को, लिखने में प्रॉब्लम है। impaired handwriting है मतलब eligible लिखता है वो, एक तरीके से। eligible का मतलब क्या है? जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ने योग्य ना हो। कई बार दे देता है not legible, किसकी writing not legible यानी कि पढ़ने योग्य नहीं है। लेजिबल का मतलब है पढ़ने लायक, और नॉट मतलब नहीं है पढ़ने लायक, इसको इलिजिबल भी कह सकते हैं। तो ये डिसग्राफिया है। ग्राफ का मतलब ही है लिखना, याद रखिएगा, ग्राफ मतलब राइटिंग। जैसे हम फोन मतलब साउंड याद रखते हैं, उसी तरीके से ग्राफ मतलब राइटिंग याद रखेंगे। डिस्प्रेक्सिया है मोटर स्किल्स, टाई बांधने में, बटन लगाने में, पेन पकड़ने में, मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन में प्रॉब्लम। डिसलेक्सिया पढ़ने में प्रॉब्लम। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कैसे होंगे? बहुत एक्टिव होंगे बट आईक्यू कम है। आईक्यू का लर्निंग डिसेबिलिटी से कोई खास संबंध है नहीं। आर वेरी वाइज एंड मैच्योर, बहुत ही बुद्धिमान और परिपक्व होंगे। यह भी कोई विशेषता तो है नहीं कि निश्चित रूप से हर बच्चा परिपक्व ही होगा जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। सीख नहीं सकते कुछ, ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन है, स्ट्रगल विद सम एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। ये बात बिल्कुल सत्य है कि उनको सीखने के कुछ पक्षों में समस्या हो सकती है, सीखने के कुछ पक्षों में समस्या हो सकती है। अधिगम के कुछ पक्षों में वो संघर्ष करते हैं, कुछ पक्ष, जैसे कि जिसको डिसलेक्सिया है वो पढ़ने वाले पक्ष में, एस्पेक्ट में उसको प्रॉब्लम होगी, वो वहां स्ट्रगल करेगा पढ़ने में। जिसको डिसग्राफिया है वो लिखने वाले एस्पेक्ट में स्ट्रगल करेगा। जिसको मोटर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम है वो वहां स्ट्रगल करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि क्या वो देख के सीख नहीं सकता? क्या वो सुनकर के सीख नहीं सकता? क्या वो बाकी एक्टिविटीज के थ्रू नहीं सीख सकता? बिल्कुल सीख सकता है। आईक्यू का इस चीज से कोई मतलब नहीं है, मैच्योरिटी का इससे कोई मतलब नहीं है, और सीख नहीं सकते ये तो मूर्खता की बात हुई। तो सिर्फ डी ऑप्शन अपने पास सेंसिबल बचता है, जो कि बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इज, यानी एक ऐसा विकार जो भाषा अवबोधन के संबंध में है, यानी डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, बच्चे को लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करने में। मान लीजिए मैं जैसे अभी बोल रही हूं, कोई इस बात को समझ ही ना पाए कि मैं क्या कह रही हूं, तो क्या कहेंगे? ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन अगर कभी कभार ये समस्या है तो नॉर्मल है। लेकिन अगर हमेशा ये प्रॉब्लम है कि बच्चा लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, क्या कहोगे इसे? अफेजिया कहते हैं ऐसी चीज को। जब लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करने में प्रॉब्लम हो तो अफेजिया कहते हैं। अप्रेक्सिया जो है वो अपने आप में फिजिकल एक्टिविटी करने की प्रॉब्लम है। मैं साइड में ही हो जाती हूँ, नहीं तो आपको समस्या हो रही होगी। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, और स्पीचेक्सिया जैसा हमने कुछ पढ़ा नहीं है बट स्पीच से ही रिलेटेड होगा अगर होता होगा तो। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, यानी वो बच्चे जिनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है यानी शारीरिक रूप से हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम है, उस तरीके से कह सकते हैं, बताइए एक बार। उमा यहां से ब्लर नहीं है क्योंकि मेरी स्क्रीन में भी चल रहा है सेशन साथ के साथ। 8500 लोग हम अभी जुड़े हुए हैं पिछले 19 मिनट में, और 6200 लोगों ने लाइक किया है, 2300 लोग कम हैं, और मैं आपको देख पा रही हूं बिना किसी ब्लर के बावजूद। देखिए,
ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड बच्चा वो है जिसको डिस्थीमिया हो, डिसग्राफिया में ऑर्थोपेडिक ही प्रॉब्लम होगी, ये कहना तो गलत है क्योंकि बच्चा लिख पा रहा है लेकिन कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन है, ये पढ़ने से रिलेटेड है। तो सिर्फ डिस्थीमिया ही बच्चा जिसको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर 3 पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन इन अ क्लास ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड दे शुड बी। भाई 3 पोलियोग्रस्त बच्चे हैं एक गेम्स पीरियड के दौरान, उनको क्या करना चाहिए बताओ फटाफट से बताओ, बहुत तेजी के साथ, पेन पकड़ने में दिक्कत। एग्जैक्टली मिनिमोने का आंसर करो, इतना हम पानी पियेंगे क्योंकि क्लास जो है आपकी लंबी चलने वाली है। 46 क्वेश्चंस हैं, अपने आप में बड़ा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जिन्हें जल्दी हो वो 2x की स्पीड पे देख लीजिए, बट स्पीड नॉर्मल ही रहनी चाहिए, नहीं तो होता क्या है कई बार जब हम ज्यादा स्पीड में देखते हैं तो दिमाग उस लेवल पे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, तो वो चीज टिकती नहीं है दिमाग में। आपको लगता है आपने सब समझ लिया बट वो रुकता नहीं है, तो नॉर्मल स्पीड पे देखिए अगर समय है तो। अलग अलग आंसर कर रहे हैं आप लोग, एक मिनट रुक जाओ। देखिए कंटिन्यू करेंगे, एक मिनट। ओ गॉड, यार दम कर दिया। बी ऑप्शन कर रहे हैं ज्यादातर लोग, 3 पोलियो अफेक्टेड बच्चे हैं, गेम्स पीरियड के दौरान उनके साथ क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सीटेड इन अ कॉर्नर सो दैट दीज चिल्ड्रन कैन एंजॉय द गेम, मतलब उनको सिर्फ एक कोने में बिठा करके गेम एंजॉय करने के लिए कहें, या फिर एनकरेज्ड टू टेक पार्ट इन द गेम्स एप्रोप्रिएट फॉर देम विद अदर चिल्ड्रन, मतलब आप उनको एनकरेज करेंगे ऐसे गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जो उनके लिए एप्रोप्रिएट हो, बाकी बच्चों के साथ उनको भी खेलना चाहिए। बात तो ठीक लग रही है। अलाउड टू टेक पार्ट ओनली इन इंडोर गेम्स, ऐसा क्यों हो कि बच्चा जो है वो सिर्फ इंडोर गेम्स में ही पार्टिसिपेट करे, या फिर फोर्स टू प्ले विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, यानी उनको क्या होना चाहिए, उनको मजबूर करिए कि बाकी बच्चों के साथ आपको खेलना ही खेलना है। ऐसा तो मजबूरी की तो कोई बात ही नहीं है ना, एजुकेशन अगर मजबूरी है तो फिर क्या फायदा है। सिंपल बात है, बी ऑप्शन सही होगा, ऐसे बच्चों को आप एनकरेज करेंगे उनके लिए एप्रोप्रिएट गेम्स को खेलने में जो वो खेल सकते हैं। मान लीजिए कोई फुटबॉल है तो बच्चे को भी आपने शामिल कर लिया, वो बैठ के कैच कर सकता है और कैच करके सामने पास कर सकता है, तो जो उसके लिए एप्रोप्रिएट है वो एक्टिविटी, वो भागीदारी वो अपने गेम में अपने सहपाठियों के साथ निभा सकता है जिनको कोई समस्या ना हो तब भी। तो हम कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है बच्चे को इंक्लूड करना ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज में। ठीक है यार, एक मिनट रुको। हाँ, इसमें कोई कह रहा था ना 11th क्वेश्चन में रीचेक करने के लिए, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, ओ देखो 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 बात है, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव का मतलब है उनको हो सकती है, जिनको शारीरिक रूप से कोई समस्या है तो उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों को डिसग्राफिया की प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों, क्योंकि इनको फिजिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी ना, तो पेन पकड़ के चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो डिसफेजिया की प्रॉब्लम इनको आ सकती है। डिस्थीमिया तो एक ऐसा डिप्रेशन काइंड ऑफ स्टेट है, सॉरी वो गलत बताया मैंने, है ना, ये तो होंगे ही नहीं कैलकुलिया और डिसलेक्सिया, तो डिसग्राफिया इसको ठीक कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया लगता है जब हम 9,000 लोग एग्जैक्टली देख रहे हैं और इसमें आप एक सेकंड मान लीजिए किसी कमेंट पे नजर पड़ गई और रीचेक कर लिया, मतलब इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इस चीज को मैं मिस करती हूँ कि इंटरेक्शन हमारा थोड़ा कम हो गया है क्योंकि हम इतनी संख्या में होते हैं कि या तो मैं आप ही की सुनूंगी या फिर मैं अपनी ही कह पाऊंगी। देखो एक बार फिर भी मैं कोशिश करती हूँ बैलेंस बनाने की। ये तो हो गया, 13th पे चलेंगे। आ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसी शुड बी, एक कक्षा है पांचवी, एक पांचवी कक्षा का बच्चा है जिसको विजुअल डेफिशिएंसी है। विजुअल डेफिशिएंसी का मतलब है देखने में कुछ समस्या है, देखने में क्या है समस्या है पांचवी कक्षा के बच्चे को। देखिए क्या होना चाहिए आंसर, एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, मतलब उसको एक्सक्यूज कर दें हम कि भाई तुम छोटे स्तर का काम करो तुम्हें छूट मिलेगी। आपको बच्चे को सिंपैथी नहीं एम्पैथी देनी है, जो चीज वो कर सकता है उस पर फोकस करना है बजाय कि जो वो नहीं कर सकता उस पर। ठीक, दूसरी एक बात है हेल्प विद
हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स. उसको आप मदद के लिए कहेंगे कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स तुमको मदद करें, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको मदद करें. फिर से सिंपैथी वाली बात हो गई. ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीरीज. यानी आप बच्चे को नॉर्मली ट्रीट करने देंगे क्लास में और उसको कहेंगे ऑडियो सीडी के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. फिर है गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम. इन सब की कोई जरूरत नहीं है. आप बच्चे के लिए जो एप्रोप्रिएट है एक ऐसा प्रावधान निकालते हैं जिससे वो अपने क्षमता के अनुसार बेहतर तरीके से सीख सके. तो बी ऑप्शन बेस्ट है कि नॉर्मली ट्रीट करेंगे नॉर्मल बच्चों की तरह क्लासरूम के अंदर, बस उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा देंगे. किस चीज में? ऑडियो सीडीज में. एक बात याद रखिएगा, अगर बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है तो आप उसको चार्ट और मूवी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसको देखने में प्रॉब्लम है, बाकी के सेंसेस पे फोकस करेंगे. अगर देखने में प्रॉब्लम है तो ऑडियो सीडी या क्लियर बोलेंगे, आपकी आवाज क्लियर होनी चाहिए ताकि वो सुन के तो सीख पाए. अगर वो देख करके नहीं सीख पा रहा तो सुन के तो सीख पाए एटलीस्ट. तो ये बेस्ट तरीका है. अगर कोई हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा है तो उसको ऑडियो सीडी की जगह वीडियो सीडी दिखाएंगे, क्योंकि देख तो सकता है ना वो. अगर कोई एक सेंस में प्रॉब्लम है तो बाकी के चार सेंस तो काम कर रहे होंगे ना. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एक बार. अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली, यानी एक बच्चा जो पार्शियली देख सकता है, आधा अधूरा देख सकता है, आंशिक रूप से देख सकता है अगर मैं कहूं तो, ऐसे बच्चे के लिए मतलब वो पूरे तरीके से उतना उसका विजन नहीं है 6x6 जैसे बाकी नॉर्मल बच्चों का है. इस केस में आप क्या करेंगे बताइए. वैसे तो हर कोई अपने आप में नॉर्मल ही है, बट हम यूज करते हैं ये शब्द नॉर्मल और स्पेशल. क्योंकि नॉर्मल कहना और होने में डिफरेंस है. शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल विद नो स्पेशल प्रोविजन. देखो प्रोविजन तो आपको लाना पड़ेगा यदि किसी बच्चे को कोई समस्या है तो. रेगुलर स्कूल में डालना इज गुड. यहां तक तो बात सही थी, लेकिन जैसे आगे गए तो बात गड़बड़ हो गई. शुड नॉट बी गिवन एजुकेशन, मतलब उसको पढ़ाओ ही मत क्योंकि कोई फायदा नहीं है उसका इसमें. ये कैसी बात हुई. नीड्स टू बी पुट इन अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन. हम तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जहां एक स्कूल में, एक रेगुलर स्कूल में हर तरह के बच्चे को, स्पेशल हो चाहे नॉर्मल हो, हम डालेंगे, पढ़ाएंगे, विशेष प्रावधान करके, स्पेशल कुछ एक्शंस लेके, प्रोविजंस लेकर. सिर्फ ऑप्शन डी ही बचता है, शुड बी पुट इन अ रेगुलर स्कूल वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस. एक नॉर्मल, एक रेगुलर स्कूल में जहां सब पढ़ रहे होंगे वहीं आप उसका एडमिशन कराएंगे और कुछ विशेष प्रावधान करेंगे. भाई जो बच्चा कम देख सकता है तो विशेष प्रावधान क्या कर सकते हो, ऑडियो टेप्स का यूज कर सकते हो, थोड़ा आगे बिठा सकते हो. अगर वो कम देख पाता है तो पीछे ना बिठाओ, बड़ा बड़ा लिख दो, थोड़ा क्लियर ब्रेल का इस्तेमाल कर लो अगर बिल्कुल नहीं देख पाता तो. तो ये आपको प्रावधान करने हैं, ना कि ऐसा नहीं करना कि बस एडमिशन दे दिया और प्रावधान कोई नहीं है. फिर बच्चा सफर करेगा अगर आपने ऐसा किया तो. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. अ टीचर आस्क्स हर क्लास टू कवर शार्प एजेस ऑफ फर्नीचर विद कॉटन एंड यूज टच एंड फील नोटिस बोर्ड्स एंड बुक्स. द नीड्स ऑफ विच कैटेगरी ऑफ स्पेशल लर्नर्स इज शी अटेम्प्टिंग टू केटर. मतलब कि कोई शिक्षक है जिन्होंने जो तीखी धार वाले किनारे हैं फर्नीचर के उसको रूई से ढका हुआ है, यानी टच एंड फील का वो इस्तेमाल करा रही है बच्चों के कि टच करो और फील करो क्या है ये किस प्रकार की समस्या होगी इस बच्चे को. देखो टच एंड फील मटेरियल, हम टैक्टाइल मटेरियल कहते हैं इसको, जिसको टच करके देखा जा सके, विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के लिए यूज होता है टैक्टाइल मटेरियल. टैक्टाइल का मतलब है टच करके, टच और फील करके बच्चा सीख पाए. टच एंड फील वो बच्चों के लिए होगा. ये लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि बनाई थी, लुईस ब्रेल के द्वारा ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई गई थी जो 6 पॉइंट्स पे बेस्ड होती है, जिसको हम टच करके और फील करके पढ़ते हैं. जो किताबें होंगी वो ब्रेल लिपि के अनुसार होंगी, बाकी टैक्टाइल मटेरियल है जिसको आप टच और फील करके पढ़ा सकते हैं. बाकी की बातें खत्म हो जाएंगी क्योंकि विजुअली इंपेयर्ड बच्चे के लिए ये चीज यूज होगी, क्योंकि उसको दिखता नहीं है तो वो टच और फील कर पाएगा उभरे हुए मटेरियल पे. ठीक. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. अ चाइल्ड विद हियरिंग इंपेयरमेंट, वो बच्चा जिसको सुनने में समस्या है. आसान नंबर है ये, बस आपको पढ़ के समझना आना चाहिए. बताइए एक बार, थक तो नहीं गए हो? कई लोग तो थक के सो जाते हैं 10 बजते ही. देखिए आंसर कीजिए. अ चाइल्ड विद हियरिंग इंपेयरमेंट, एक बच्चा जिसको सुनने में असमर्थता है वो अच्छा कर सकता है रेगुलर स्कूल में यदि उसको फैसिलिटेट किया जाए, उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएं, या फिर विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म ऑन अ पार विद क्लासमेट्स. नॉर्मल स्कूल में वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा बाकी बच्चों के साथ. शुड बी सेंट ओनली टू अ स्कूल फॉर द हियरिंग इंपेयर्ड, सिर्फ उन बच्चों के साथ स्कूल भेजो जहां पे सिर्फ हियरिंग इंपेयर्ड लोग आते हैं, यानी स्पेशल स्कूल भेजें. या फिर विल नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन, यानी एकेडमिक एजुकेशन से उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा.
ये दोनों ही बातें गलत हैं। हम सिंपल कह सकते हैं ये भी गलत ही है कि एक रेगुलर स्कूल में यदि आप सही रिसोर्सेस सही संसाधन के साथ बच्चों को सिखाते हो तो वो सीख पाएगा, क्योंकि सुनने में ही तो प्रॉब्लम है, बाकी सेंसेस के थ्रू तो सीख सकता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। अ टीचर हैज हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इन हर मिडिल स्कूल क्लास, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर हर टू। यानी एक टीचर है, एक शिक्षक है जिसके सामने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, वो बच्चा है जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, तो टीचर को क्या करना चाहिए बताओ फटाफट से। बस भाषा चेंज हुई है, क्वेश्चन वही है। टीचर को क्या करना चाहिए एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के केस में? काउंसलर से कहो कि उसके पेरेंट्स से बात करें और उसको निकलवा लें, ये कैसी बात हुई, एक ही स्कूल में पढ़ाना है। मेक द चाइल्ड सिट एट प्लेस फ्रॉम वेयर शी कैन सी द टीचर्स लिप्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। ये बात बिल्कुल सही है, बच्चे को ऐसी जगह पे बिठाइए जहां से वो, भाई सुनने में ही तो प्रॉब्लम है तो पास में बिठाओ जहां से लिपसिंग जो है, वर्ड्स जो बोले जा रहे हैं टीचर के द्वारा, उनको वो क्लियरली देख के कुछ आइडिया लगा सके अगर ठीक से ना सुन पाए तो। ये बात तो सही है। कीप पॉइंटिंग टू व्हाट द चाइल्ड कैन नॉट डू ओवर एंड ओवर अगेन। आप बच्चे को बुरा फील नहीं कराते जो वो नहीं कर सकता, उसके लिए बिलो द बेल्ट हिट नहीं किया जाता। रिडिक्यूल द चाइल्ड एंड मेक हर सिट सेपरेटली सो दैट, सेपरेट क्यों करेंगे, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। हम इंक्लूजन की बात करते हैं, ठीक, डिफरेंसेस के साथ हम यूनिटी की बात करते हैं ना कि बिखराव की। बी ऑप्शन हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। द मेजर फ्रस्ट्रेशन दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस फेस इन द क्लासरूम इज, यानी वो मेजर फ्रस्ट्रेशन, वो बच्चे कैसी, कौन सी मेजर फ्रस्ट्रेशन होगी उन बच्चों की जिनको सुनने में दिक्कत है, बताइए। अब हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे पे कितने क्वेश्चन बन गए, जिनको सुनने में दिक्कत है ऐसे बच्चे के साथ क्या क्या समस्या आएगी उसको, पढ़ तो पाएगा, सुनने में ही तो दिक्कत है, स्पोर्ट्स भी खेल पाएगा, कम्युनिकेट करने में और इन्फॉर्मेशन शेयर करने में हो सकता है, क्योंकि जिसको सुनने में दिक्कत है अगर आप मुझसे बोले और मैं ठीक से सुन ना पाऊं तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने कुछ सुना आपने कुछ बोला। आपने देखा होगा बुढ़ापे में कई लोग ऐसे हो जाते हैं, मेरी नानी को कम सुनता है तो उनसे फोन पे बात करो उनको दिक्कत होती है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता उस तरीके से। तो सिंपल बात है कि हियरिंग इंपेयर्ड में क्या होगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बच्चा सुन नहीं पाएगा और शेयर करने में उसे प्रॉब्लम होगी जो वो समझ पाया, तो संप्रेषण की समस्या उत्पन्न होगी। इनएबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशन विद अदर स्टूडेंट्स, ये कैसी बात हुई, है ना, ये टाइपिंग में डिस्लेक्सिया हो गया, इसको ठीक करवाएंगे, मजाक की बात है, दिल पे मत ले लीजिएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज कॉल्ड LD, जिसको दिया है सैमुअल किर्क ने। मोटर स्किल्स में यदि लर्निंग डिसेबिलिटी है, मोटर स्किल्स मतलब गत्यात्मक कौशलों में जो फिजिकल एक्टिविटीज आप करते हैं, तो कैसे ठीक होगी ये बता दीजिए आप फटाफट से। डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसफेजिया, डिस्प्रेक्सिया, क्या मोटर स्किल्स में समस्या डिस्प्रेक्सिया कहलाएगी, यही हम अभी डिस्कस कर रहे थे। डिसफेजिया बोलने से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से, तो सिर्फ आंसर बचता है डिस प्रेक्सिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20th। मोटर स्पीच डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स स्पीच इज कॉल्ड, एक ऐसा मोटर स्पीच डिसऑर्डर है जिसकी वजह से बोलने में प्रॉब्लम होती है, स्पीच को हमारी प्रभावित करता है, हमारी वाक को प्रभावित करता है, अप्रेक्सिया है, अफेजिया है, डिस्फोनिया है या वर्ड फोबिया है, बताइए आंसर कीजिए। सिंपल आंसर है अफेजिया है, ये प्रभावित करेगा आपकी स्पीच को, कॉम्प्रिहेंड करने में भी प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ऑटिज्म इंक्लूड, यानी जो स्वालीनता कहते हैं इसको, ऑटिज्म में क्या शामिल है, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, आपको जन्म के साथ ही आ जाता है एक तरीके से अगर आना होगा तो, आई थिंक वो जो माय नेम इज खान में है शायद शाहरुख खान को, नहीं तो ऐसे बहुत सारे अदर एग्जांपल्स भी हैं, ऐसे में बच्चा बार बार सेम चीज को रिपीट करता है, सोशली ज्यादा लोगों के साथ बैठना नहीं सब पसंद करेगा, अगर उसकी सराउंडिंग में जैसे ये रूम है कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज होगा वो बहुत परेशान हो जाएगा, है ना। तो विजुअल इंपेयरमेंट, हाइपर एक्टिविटी, रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ या इनएबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स, सोशली अपने आप को वो कनेक्ट कर पाने में समस्या महसूस करता है, सोशली वो थोड़ा सा वो अलगाव पसंद करेगा, अपने ही स्पेस में रहेगा, डी ऑप्शन होगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है इसका पूरा नाम, जिसके अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ASD कहते हैं ना ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को। क्वेश्चन देखिए। रीडिंग द टाइम, रिड्यूसिंग द टाइम अलॉटेड टू कंप्लीट एन असाइनमेंट टू मेक इट कोइंसाइड विद टाइम ऑफ अटेंशन एंड इंक्रीजिंग दिस टाइम इन अ फेज्ड मैनर विल बी बेस्ट सूटेड टू डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स। पढ़िए एक बार। एकाग्रता समय के साथ, मतलब एक बच्चा है जिसको कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना था, उसके लिए थोड़ा सा टाइम कम कर दिया गया और उसको पार्ट्स में विभाजित कर दिया गया टाइम को,
ये किस तरह के बच्चे के लिए ये टेक्निक काम आएगी? तो ये एडीएचडी वाले बच्चे के लिए टेक्निक काम आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी अटेंशन बहुत लंबे समय तक नहीं रुक पाती है। आप उसको 2 महीने का प्रोजेक्ट दोगे, वो नहीं कर पाएगा। अगर आप उसे 2 मिनट के लिए काम करा रहे हो तो शायद वो रोक पाए, फिर 2 से 2.5 पे ले जाओ। इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि अटेंशन उसकी कम देर तक टिक पाती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी आप एक बच्चे को जिसको अधिगम अक्षमता है कैसे पहचान करेंगे? लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे की पहचान आप कैसे करेंगे ये बताइए। बाय एडमिनिस्ट्रिंग इंटेलिजेंस टेस्ट से। इंटेलिजेंस टेस्ट में तो आईक्यू स्कोर आते हैं, ये कैसे पता लगेगा कि अधिगम अक्षमता है? या फिर बी ऑप्शन, बाय सीइंग देयर फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकली देख के आप कैसे बताएंगे? ये कोई ऐसी समस्या थोड़ी होती है लर्निंग डिसेबिलिटी जो बॉडी में दिख जाए आपको कोई। भाई डिसलेक्सिया है वो जो ईशान अवस्थी एग्जाम्पल है, या बोमन ईरानी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इवन आई थिंक आइंस्टाइन को भी कुछ तो था ही, डिसकैलकुलिया था या क्या था, तो देख करके पता नहीं लगता। बाय लुकिंग एट देयर नोटबुक्स फॉर राइटिंग, हाँ अगर डिसग्राफिया है तो पता लग जाएगा। बाय ऑब्जर्विंग हाउ मच दे फाइट विद अदर चिल्ड्रन, ये तो बिहेवियरल प्रॉब्लम हुई, तो बाय लुकिंग एट देयर नोटबुक फॉर राइटिंग, कैसे वो लिखते हैं उससे पता लग जाएगा कि डिसग्राफिया है या डिसलेक्सिया भी है तो भी पता लग जाएगा। तो ये बेसिक सी तरीका है इन 4 ऑप्शंस में से पहचानने का बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, एक बच्चा जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, पढ़िए उसके बारे में और बताइए, आंसर कीजिए, रीड का बताएंगे कुछ। 6:30 का क्लास कल होगी क्या? संगीता पूछ रही है, संगीता अभी कंफर्म नहीं है, जहां तक है मैं लूंगी, ये रात को ही सोच के कंफर्म करूंगी। कल नहीं तो परसों से शुरू तो कर ही देंगे, अब टाइम आ ही गया है। 2 सेशन आपके कम से कम होने चाहिए मेरे साथ यहाँ यूट्यूब पर, और 5 मैराथन सेशन भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, ना देखे हो देख लीजिएगा। हैज अ राइट टू स्टडी इन द रेगुलर स्कूल, बिल्कुल सही बात है, आप नॉर्मल स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये बात हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, इस पर बार बार चर्चा की आवश्यकता नहीं है, बस लैंग्वेज बदली है, क्वेश्चन वही है ना, वो कौन सा रिश्ता वही, सोच नहीं, कौन सा चैनल था वो, स्टार प्लस आई थिंक जिसका ये टैगलाइन था। तो हम कह सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं तो इनकी सोच वही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दिए जा रहे हैं। ठीक, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऐसे बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का कौन सा तरीका है जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी प्रोग्रेस मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, इस बात का पता कैसे लगाएंगे, इसको मॉनिटर कैसे करेंगे, इसको देखेंगे कैसे, बताइए क्या तरीका अपनाएंगे? केस स्टडी करेंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स करेंगे, क्या बिहेवियर रेटिंग स्केल, स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर, क्या करेंगे बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, इसको SBO कहा जाता है। इन सबसे बेहतर तरीका है स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, जस्ट आपको उसके बिहेवियर को एक स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ एक्टिविटी करते हुए ऑब्जर्व करते रहना है, इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर्ड बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। डी आंसर इसका सही होगा, ये बिल्कुल फैक्चुअल बात थी। व्हेन अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी फर्स्ट कम्स टू स्कूल द टीचर शुड, एक ऐसा बच्चा जिसको अधिगम अक्षमता है, अशक्तता है, सीखने में प्रॉब्लम है, जब वो पहली बार स्कूल आता है तो आप क्या करेंगे बताइए? रेफर करेंगे ऐसे बच्चों को कि स्पेशल स्कूल में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है रेगुलर स्कूल में हर तरह के बच्चे को आप पढ़ाएंगे, एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। फिर है इसके बाद सेक्लूड हिम फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, आप उसको सेक्लूड कर देंगे, उसको हटा देंगे, अलग कर देंगे, दूसरे बच्चों के साथ नहीं पढ़ाएंगे, ये बात भी गलत होगी। सेक्लूजन तो चाहिए ही नहीं, सेग्रीगेट तो करना ही नहीं है। फिर है आपका डिस्कस विद दी चाइल्ड्स पेरेंट्स टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स, आप बच्चे के पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि कुछ सहयोगी योजना निकालें साथ में, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हों उस एक्टिविटी में और बच्चा भी और टीचर्स भी। ये बात तो सही है, सिर्फ एडमिशन टेस्ट तो आपको लेना ही नहीं होता, RTE मना करता है एडमिशन टेस्ट के लिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लर्निंग डिसेबिलिटी मे अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अब क्वेश्चन ये है कि ये होते क्यों है, लेकिन क्वेश्चन ने ये पूछा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्यों नहीं हो सकती, या लर्निंग डिसेबिलिटी का क्या कारण नहीं हो सकता। अब आपको 3 चीजें पता लगेंगी जो कारण होंगे, और 1 चीज पता लगेगी जो नहीं होगा। देखिए एक बार समझिए, ट्राई कीजिए। मोहसिन खान, बहुत बढ़िया जी, सही है, बताइए एक बार, आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ। बी, टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, ये बात तो सही है। क्या पढ़ाने के तरीके से आज तक किसी को लर्निंग डिसेबिलिटी हुई है? डिसलेक्सिया पढ़ाने के तरीके से हो जाएगा? नहीं है पॉसिबल। मेनिंजाइटिस बोलते हैं आई थिंक इसको, मेनिंजाइटिस ड्यूरिंग इन्फेंसी, मतलब जो बहुत कम उम्र होती है बच्चे की, जन्म से 2 वर्ष के बीच में यदि दिमागी बुखार हो जाए तो बिल्कुल प्रॉब्लम आ सकती है, ये एक वन ऑफ द रीजंस हो सकता है।
प्रीनेटल यूज ऑफ एल्कोहल, यानी गर्भावस्था के दौरान यदि जो माता है वो एल्कोहल का मदिरा पान करती हैं, तो क्या होगा, बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। मेंटल रिटार्डेशन, अगर मेंटली रिटार्डेड है तब भी प्रॉब्लम आ सकती है इस चीज की, लेकिन टीचर के पढ़ाने के तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती। तो आंसर होगा इसका बी, क्योंकि यही पूछा है कि किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, तो पढ़ाने के तरीके के अतिरिक्त बाकी तीनों से हो सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज लर्निंग डिसेबिलिटी, कौन सा एक चीज से लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। सुमित सिंह, ये पेपर में आए हुए वर्ड्स हैं जो हमने, हमारे जो टीम मेंबर हैं टाइप करते हैं उन्होंने वही लिखे होंगे, तो पुराने जो पेपर्स हैं वहां पे विकलांग शब्द यूज हुआ है, मैंने उसको बोला भी नहीं, आपने पूरे सेशन में देखा होगा, तो वो उस तरीके से ही टाइप्ड था पहले से, है ना, नहीं तो आई एम सेंसिटिव इनफ कि मैं शब्दों का सही इस्तेमाल करूं जितना मुझसे हो सके, है ना, तो बिल्कुल दिव्यांग हम मानते हैं, इसमें इस पे भी आजकल कुछ चल रहा है। देखो एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी किसके कारण हो सकती है, कल्चरल वेरिएशन के कारण, प्रीनेटल ड्रग यूज के कारण, एप्टीट्यूड ऑफ टीचर, या फिर अपैथी शोन बाय पीयर्स। अपैथी होता है कि आप, आपके साथ कोई भावना ही नहीं फील करते जो पीयर्स हैं, वो आपको आपसे, आपकी भावनाओं से उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, इस बात से लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होगा, बिहेवियरल प्रॉब्लम या इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। एप्टीट्यूड ऑफ टीचर, टीचर के एप्टीट्यूड से बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, नहीं, सीख नहीं सकता या सीखने में प्रॉब्लम होगी वो कहना सही है, बट लर्निंग डिसेबिलिटी इस कारणवश नहीं होती। कल्चरल वेरिएशन, संस्कृति में वेरिएशन है तो इसलिए हो जाएगी, ये कैसी बात हुई। प्रीनेटल ड्रग यूज, यही बात हम अभी लास्ट क्वेश्चन में भी कर रहे थे कि जो अभिभावक हैं या स्पेशली माता हैं उनके द्वारा यदि मदिरा का सेवन या ड्रग, किसी भी ड्रग का एक यूज होता है तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी का एक कारण बन सकता है, बच्चे के दिमाग में किसी एक पक्ष को वो प्रभावित कर सकता है जिसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज आर जनरली फाउंड इन, जो अधिगम अक्षमताएं हैं या निर्योगताएं हैं वो कहां पाई जाती हैं, बताइए फटाफट से बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए, हिंदी में बोलिए, आपकी तरह इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है यार, मैं हिंदी में हर एक क्वेश्चन लगभग ट्रांसलेट करती हूँ, अगर आप थोड़े से इच्छुक हैं प्राइमरी लेवल की तो समझ पाओगे ना कैसे चलेगा। देखो, इन स्पेशली दोज चिल्ड्रन हूज पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम्स, यानी उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके विशेष रूप से पैतृक अभिभावक, यानी उनकी जो पीढ़ी है, यानी पहले से जिनको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम रही है। इन चिल्ड्रन विद एवरेज टू सुपीरियर IQ, मोर ऑफन इन बॉयज एज कम्पेयर टू गर्ल्स, मोर ऑफन इन चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, मतलब जो क्षेत्रीय गाँव वाला जो एरिया है वहां, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा पाएगी, शहरों के अलावा ऐसा तो कुछ नहीं होता, बॉयज और गर्ल्स का कोई पॉइंट ही नहीं है। IQ वाले तो एवरेज वाले को भी हो सकती है और सुपीरियर को भी हो सकती है और कम वाले को भी हो सकती है, ये तो कोई मतलब नहीं है इस बात का। इन स्पेशली दोज चिल्ड्रन हूज पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम्स, जिनकी हेरिडेटरी ये एक समस्या है उनको भी हो सकती है, उनके ज्यादा चांसेस हैं बाकियों से, ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफर होती ही होती है, बट ज्यादा चांसेस है उनको जिनके अभिभावकों को किसी भी रूप में ये समस्या रही हो। लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किस कारणवश नहीं होगी, एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना, यानी किसके कारण नहीं होगी, नॉट मान लीजिए इसको, लीस्ट मान लीजिए, ध्यान से पढ़िए ऐसा क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करो। कितने क्वेश्चन से संगीता पूछ रही है, संगीता 46 के अराउंड क्वेश्चन है आई थिंक, है ना, कई लोग तो बड़ी जल्दी थक जाते हैं, 2.5 घंटे का पेपर करोगे कैसे वहां, यहां तो मैं गा गा के सुना रही हूं आपको, वहां पढ़ना भी खुद है, समझना भी खुद है, अटेम्प्ट भी खुद करना है, है? कैसे चलेगा जीवन, या नींद आ जाती है जल्दी ही, अब तो पेपर है वैसे ही नींद उड़ रही होगी कई लोगों की, तो 6 बजे वाली क्लास का करेंगे कुछ, बताएंगे बताएंगे। धन्यवाद रुखसार शेख, आपके और मेरे दोनों के हाथ में है भारत का फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर अगर बात की जाए तो। 6 बजे क्लास चली नहीं रही है साक्षी आजकल। लर्निंग डिसेबिलिटीज किस कारणवश नहीं हो सकती, तो कल्चरल फैक्टर्स के कारणवश नहीं हो सकती,
जो आपका संस्कृति है कि भैया भारत का है तो इसलिए लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाएगी, ऐसा कोई मतलब नहीं है। इमोशनल डिस्टरबेंस लंबे समय तक रहे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कई बार बोलने में भी इंसान को समस्या आने लगती है, बिहेवियरल डिस्टरबेंस से भी, सेरेब्रल डिसफंक्शन से भी। सेरेब्रल डिसफंक्शन है मतलब ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई उसके कारणवश। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर, अधिगम अक्षमताएं क्या हैं फटाफट से बताइए। ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं, सिनोनिम है डिसलेक्सिया का, डिसलेक्सिया का सिनोनिम थोड़ी है, बहुत सारी हैं वो तो। ऑल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विद एवरेज और अबव एवरेज आईक्यू या फिर इम्यूटेबल नहीं है, फटाफट से आंसर करो। हम कह सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज जिनका सामान्य आईक्यू है, औसत आईक्यू है और जिनका उससे ऊपर है उनको भी हो सकती है, एवरेज और अबव एवरेज आईक्यू वाले बच्चों को भी हो सकती है लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये लर्निंग के एक आस्पेक्ट ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल एक तरीके की वायरिंग में प्रॉब्लम है, ना कि बच्चे के आईक्यू पे ये निर्भर नहीं करता। आईक्यू अबव एवरेज और एवरेज है तब भी हो सकती है। फॉलोइंग आर दी एग्जांपल्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एक्सेप्ट, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो जन्म के 5 वर्ष तक लगभग पता चल जाए, जल्दी ही डेवलपमेंट के समय ही पता लग जाए, ज्यादातर ये हेरिडिटी से ही रिलेटेड होते, मतलब जन्म से ही होंगे, हेरिडिटी भी कहना गलत होगा। बताओ एक बार, ADHD, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्या होगा इसका आंसर? देखो ADHD भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में है, जन्म से ही या समय, जन्म के कुछ समय पश्चात पता लग जाएगा डेवलपमेंट के समय। ऑटिज्म भी, सेरेब्रल पाल्सी भी, सेरेब्रल पाल्सी वो जीरो मूवी आई थी है ना, मूवी तो फ्लॉप थी, बट उसमें जो वो अनुष्का शर्मा को दिखाया गया है वो उनको सेरेब्रल पाल्सी है, बेसिकली इसमें ब्रेन का फंक्शन ठीक से काम नहीं करते और बॉडी में भी प्रॉब्लम होती है, बॉडी भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, तो ये भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD कहते हैं उसका पूरा नाम, PTSD एक ऐसी समस्या है जो डेवलपमेंट के समय से नहीं होती, ये एकदम से अचानक से स्ट्रेस आने से होती है, वो भी किसी एक ट्रॉमा के बाद, किसी एक जीवन में घटी घटना के बाद जब तनाव आपके ऊपर आ जाए और वो लंबे समय तक रहे तो इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। किसी एक ट्रॉमा के बाद स्ट्रेस का डिसऑर्डर हो गया, वो आपको किसी आपके प्रियजन की मृत्यु हो सकती है, कोई जीवन में घटी घटना, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, जो आर्मी में जो लोग होते हैं, वॉर्स में जो लोग इन्वॉल्व हुए होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, उनको आके भी नॉर्मल फील नहीं कर पाते वो, क्योंकि इतना स्ट्रेस और इतना सब कुछ वो देख चुके होते हैं। तो PTSD जन्मजात नहीं होता, ये जीवन में घटी घटनाओं के बावजूद होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी रेप विक्टिम्स से लेकर के और जिनके साथ भी एसिड अटैक विक्टिम्स और जो भी जैसे जो एक ऐसी घटना जिसको जिसका ट्रॉमा ना जा पा रहा हो उससे PTSD हो सकता है। लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम निर्योग्यता क्या है बताइए जरा, अधिगम निर्योग्यता क्या है? वेरिएबल स्टेट है, स्टेट है, नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग, क्या है अधिगम निर्योग्यता? फटाफट से आंसर करो। आप कह रहे हैं वेरिएबल स्टेट है, बिल्कुल सच बात है, वेरिएबल है, ये इंप्रूव हो सकती है टाइम के साथ बट पूरे तरीके से खत्म होगी ये जरूरी नहीं है। वेरिएबल इसलिए क्योंकि कभी कम और ज्यादा ये होती रहती है लेकिन पूरे तरीके से जड़ से खत्म हो जाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये वेरिएबल है, फिक्स्ड नहीं है, स्टेबल नहीं है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, कई बार ज्यादा ग्रसित होता है बच्चा, अगर उस पर काम किया जाए तो वो लेवल को कम किया जा सकता है या उस प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन जनरली शो, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे सामान्यतः किस चीज का प्रदर्शन करते हैं बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। टीचिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं? RD पूछ रहे हैं यार, ये इजी नोट्स करके है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ, ये फ्री वाला है, ये स्ट्रीमिंग नहीं है, ये सिर्फ लिखने के लिए है। इससे पहले और भी आते हैं, टीचिंग इन्फिनिटी या टीच इन्फिनिटी भी आता है बट उससे बेहतर है, उसमें तो बड़ी अजीब सी राइटिंग आती है। अरे बहुत बड़े मनदीप कौर, कल हो नहीं पाया सेशन, मैंने भी काफ़ी कोशिश की, पहले आगे भी लगाया फिर तब भी इलेक्ट्रिसिटी का इशू था। खैर, लर्निंग डिसेबिलिटीज चिल्ड्रन जनरली शो परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स, परसीव करने में इनको प्रॉब्लम होगी, कॉन्सेप्ट्स हमेशा गड़बड़ हो ये कहना गलत है, या हमेशा फिजिकल प्रॉब्लम ही हो, हैबिट में ही प्रॉब्लम हो ये भी गलत है। परसेप्चुअल का मतलब क्या है? परसेप्चुअल का मतलब है परसेप्शन बनता कैसे, हमारे सेंसेस से जो हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन तक सही तरीके से सही रूप में ना पहुंच पाए तो परसेप्चुअल डिसऑर्डर हो सकता है, और यही होता है लर्निंग डिसेबिलिटीज में, जैसे कि डिसलेक्सिया। अब उसके दिमाग में जो ये सौ है, ये उसके दिमाग में परसेप्शन बन रहा है इसका वॉज का उल्टा, तो परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे को,
परसीव ना कर पा रहा हो, वो अपने सेंसेस से प्रॉपर तरीके से उस एक चीज को दिमाग में प्रोसेस ना कर पा रहा हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, कौन सा एक सबसे क्रूशियल फैक्टर है? बाकी प्लेटफॉर्म्स पे चलते हैं अजीत कुमार, लेट्स लर्न का कोई अपना नहीं है उस तरीके से पेड प्लेटफॉर्म। एक खतरनाक बैच आने वाला है जनवरी में, देखिए फटाफट से आंसर कीजिए। मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, सबसे ज्यादा क्रूशियल क्या होगा? रिड्यूसिंग हिज और हर सफरिंग या एनहेंसिंग हिज और हर स्किल्स, ये एक बेहतर बात है ना, क्या आप उसकी स्किल्स को बेहतर बना पाए? सफरिंग ही होगी, ये आप कैसे कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द टर्म डिसेबल्ड चिल्ड्रन रेफर्स टू, डिसेबल्ड चिल्ड्रन यानी अक्षम बच्चे जो हैं, ये टर्म किसकी ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन है ऑल चिल्ड्रन विद सेंसरी और फिजिकल इंपेयरमेंट, जिनको सेंसेस से रिलेटेड या फिजिकल इंपेयरमेंट है, सभी बच्चे जिनको इमोशनल डिफिकल्टीज और इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट्स हैं। देखो दोनों ही बातें सही है, पूरे तरीके से गलत हम नहीं कह सकते। तबीयत बेहतर है पहले से, कम एनर्जेटिक लग रही हूँ। हाँ देवलीना थोड़ा हेडेक है, बाकी तबीयत एकदम सही है यार। देखो बोथ वन एंड टू, ये लाइट्स में और स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल करने का साइड इफेक्ट है, मुझे लगता है अकेले मैंने काफी सेशंस लिए हैं पिछले 4 साल में, तो दोनों ही बातें सही हैं। द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इज इंपॉर्टेंट टू, यानी कि विशेष बच्चों की को प्रारंभ में ही आप किस तरीके से पहचान सकते हैं, या जो स्पेशल बच्चे हैं जिनको कोई समस्या है उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी उनको जल्दी ही पहचान लेना चाहिए कि इस बच्चे को कहीं एक समस्या आ रही है। इसका रीजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि बच्चे को जल्दी पहचान लेना चाहिए जिसको प्रॉब्लम है? इसका एक रीजन ये है कि सेकेंडरी डिसेबिलिटीज से बचाता है बच्चे को, कि उसको मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, आपने ध्यान ही नहीं दिया, हो सकता है एक और प्रॉब्लम उसकी वजह से आ जाए, सेकेंडरी कोई इशू आ जाए, तो इसलिए कि बाकी समस्याएं एटलीस्ट ना हो, जो प्रॉब्लम है उसको टाइम से पहचाना जाए और उसके अकॉर्डिंग फिर काम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स शुड बी स्ट्रेस्ड मोर फॉर मेंटली अंडर डेवलप्ड चिल्ड्रन, यानी मानसिक रूप से अविकसित वो बच्चे जिनका मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, उनके लिए किस तरह की स्किल्स पे आपको जोर देना है बताइए। ओ थैंक यू प्रवीण जोगावत, इतना लेट क्यों आते हो लाइफ आप, तबीयत तो खराब होगी ही। प्रांजलि कह रहे हैं मैं बद्दुआएं दे रहे हो क्या आजकल सारे के सारे, कल से टाइम पे आएंगे भाई। देखो ऐसे बच्चों को जो मेंटली रिटार्डेड हो या जिनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो ठीक से ना हुआ, वैसे आज मैं सही टाइम पे आई थी, 2-3 मिनट ही लेट थी बस। लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स आप इनको सिखाइए। लाइफ स्किल्स में आपका बिहेवियर से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जिससे वो आपका अपना जीविकोपार्जन कर ले। ठीक आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, वो अंतर नहीं कर पाता न्यूक्लियर और अनक्लियर में, सॉ और वॉज में, बताइए फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ। आपके पास कितनी जर्सियां हैं? देवेंद्र जाट कह रहे हैं, चौधरी साहब बहुत सारी जर्सियां हैं हमारे पास, बताइए एक बार, ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम, आंसर कीजिए। 39 का बी, डिसलेक्सिया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पढ़ने में रिवर्स हो रही है राइटिंग, है ना, सौ को वॉज पढ़ रहा है वो, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, प्रॉब्लम तो आनी ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 40th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमॉन्ग यंग लर्नर्स, यानी कि कौन सा एक साइन नहीं है रीडिंग डिफिकल्टी का, कि पढ़ने में समस्या हो रही है, इस बात का कौन सा साइन नहीं है? क्वेश्चन घुमा के पूछा है, आसान क्वेश्चन है, बताओ एक बार फटाफट से, जल्दी बताओ जल्दी, किसकी बात कह रहे हो प्रिंसी? देखिए फटाफट से, बी के सुगंधा कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मल बात कह रहे थे, गरम मत हो जाए करो। नमस्ते मेरी फर्स्ट क्लास है, आशुतोष उपाध्याय कह रहे हैं, बढ़िया है जी नमस्कार। फोटो मैच नहीं करता है हेमकरण कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, पुराना फोटो होगा वो, देखो एक बार फोटो मैच करा लो, पेपर में जब आंसर मैच नहीं करेगा ना तब रोना बैठ के। देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमॉन्ग यंग लर्नर्स, रीडिंग डिफिकल्टी का साइन नहीं है भाई, डिफिकल्टी इन स्पेलिंग कंसिस्टेंसी हो सकता है, वर्ड्स एंड आइडियाज को समझने में, लेटर रिकॉग्निशन में, डिफिकल्टी इन रीडिंग स्पीड ठीक है, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज
एक सेकेंड, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, डिफिकल्टी इन स्पेलिंग कंसिस्टेंसी, ए ही बचेगा फिर आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 41 है, डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज एसोसिएटेड विद, यानी रिकॉल करने में सीक्वेंस को। सीक्वेंस का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने कोई वर्ड है नैरो, नैरो इसके लेटर्स का एक सीक्वेंस है एन ए आर आर ओ डब्ल्यू, ठीक, या फिर एक वर्ड है जिमनास्ट, जिमनास्ट, ठीक, एक सीक्वेंस है, बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है इसके सीक्वेंस को याद करने में या रिकॉल करने में, पुनः उसको स्मृति, जैसे मान लीजिए दोबारा लिखना हो तो उसने जिमनास्ट को लिख दिया, जिमनास्ट को वो ऐसे लिख दे, मतलब क्या हुआ, पलट गया सीक्वेंस, सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो गया, क्या प्रॉब्लम है बच्चे को, डिसलेक्सिया है, उस दिन मैंने ऐसे लिख दिया था, मुझे डिसलेक्सिया नहीं है बट ध्यान नहीं रहा होगा, कई बार फ्लो में चीजें होती हैं, तो कह सकते हैं डिसलेक्सिया है इस बच्चे को, हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि रिकॉल करने में लेटर्स को, रिकॉल करने में लेटर्स को वो रिकॉल नहीं कर पा रहा। अब आपको एक आध बार जीवन में हो जाए या कभी कभार हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है डिसलेक्सिया ही है, ठीक, ये एक पहचान है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। 42 पर, व्हेन अ टीचर इन्वॉल्व्स अ विजुअली चैलेंज्ड लर्नर इन ग्रुप एक्टिविटीज विद द अदर लर्नर्स ऑफ द क्लास शी इज, मतलब बाकी बच्चों के साथ इन्वॉल्व करते हैं ग्रुप एक्टिविटीज में जब ऐसे बच्चे को जिसको देखने में प्रॉब्लम है, यार लिखने में यदि प्रॉब्लम होती ना, रिकॉल करने में प्रॉब्लम है, मतलब उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होगी या जो भी है, अभी देख के उसको फिर से रिपीट कर दूंगी 40th को, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है हो, फोर्टियथ को फिर से रिपीट करूंगी, रुक जाओ अभी। यार इससे स्ट्रेस थोड़ी बढ़ता है ग्रुप में काम करने से, उससे तो बच्चे को कोऑपरेशन मिलेगा, सिंपैथी तो चाहिए ही नहीं, बैरियर कैसे है ये, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार काम कर रही है, बच्चे को इंक्लूड कर रही है बाकी बच्चों के साथ, इसमें बुराई क्या है, बच्चे एक दूसरे के साथ सीखेंगे, एक दूसरे से बहुत सारी स्किल सीखेंगे, सहयोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40th में किसी को समस्या थी ना, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी, हाँ 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 डिसलेक्सिया है, पढ़ लिखने की बात थोड़ी हुई है, रीडिंग डिफिकल्टी का कौन सा एक साइन नहीं है, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज, ठीक है, डिफिकल्टी इन स्पेलिंग कंसिस्टेंसी, डिफिकल्टी इन लेटर एंड वर्ड वर्ड रिकॉग्निशन, या फिर डिफिकल्टी इन रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, यानी कि तेजी से पढ़ने में और फ्लुएंटली पढ़ने में प्रॉब्लम है, कह सकते हो। यार इसको एक बार देखना पड़ेगा, इसमें इसमें लग रही है थोड़ी सी समस्या मुझे, क्योंकि दिमाग का जो तार है वो थोड़ा सा इसमें हिल गया है, अभी के लिए आप इसका ए ही लगा के चलिएगा, इसको डिस्कशन करेंगे फिर बाद में, एक बार मैं इसको रीचेक कर लूंगी, है ना, अब फ्लो बन ही चुका है और दिमाग भी थक चुका है, तो इस पर बात बाद में करेंगे, अभी इच्छा नहीं है इसमें सर मारने की। चलिए 43 पे चलते हैं, या लास्ट में देख लेंगे एक बार, इसको डिस्कस करना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को उठा उठा के चेक करना पड़ेगा। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफन लीड्स टू माल एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन, माल एडजस्टमेंट का मतलब है प्रॉपर वेल एडजस्टेड नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, सुयोजन बोलेंगे, समायोजन बोलेंगे, समायोजित नहीं है बच्चा, कुसमायोजन का कारण कौन सा बन सकता है, कुसमायोजन का मतलब है बेवजह कोई फ्रस्ट्रेटेड है, बिना मतलब सबको ही बुरा बोले जा रहा है ना, उसको लग रहा है कि बस मैं एक अच्छा इंसान हूं दुनिया में, बाकी सब खराब हैं, ठीक, तो या फिर कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है, लड़ाइयां बहुत होती हैं ऐसे लोगों की, एडजस्ट नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, अपने एनवायरमेंट के प्रति अडेप्ट नहीं कर पा रहे, इसका कारण कौन सा हो सकता है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये तो जरूरी नहीं है ना हर इंसान स्पिरिचुअल हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं रखते, एंड दे आर डूइंग फाइन इन देयर करियर्स और एवरीथिंग, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है। इमोशनल मैच्योरिटी, हाँ ये एक समस्या हो सकती है, इलिटरेट पेरेंट्स, ऐसा थोड़ी है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है बहुत अच्छे जीवन जीते हैं, बहुत सारे लोग, जरूरी नहीं है कि उनको एडजस्टमेंट की ही प्रॉब्लम हो। इंपल्सिव नेचर, हाँ ये भी एक बात सही है, लैक ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी तक ठीक था, जरूरी नहीं है इससे माल एडजस्टमेंट ही हो हमेशा, लेकिन ये जो इंपल्सिव नेचर है ये प्रॉब्लमेटिक है, इसकी वजह से हो सकता है कि बच्चे को समायोजन में दिक्कत आए, क्योंकि वो इंपल्स के अकॉर्डिंग काम करता है हमेशा, तो मन से तो दुनिया नहीं चल रही। आगे बढ़ेंगे,
कि जो आया कर दिया तुरंत. द राइट्स ऑफ पर्सन इंपल्सिवली, मेरा मन करे 140 पर चलाना है और चलाएंगे तो कहां से एडजस्टमेंट आएगा. राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट कब आया, RPWD, बताइए एक बार. 2016 इसका आंसर है. अगर PWD पूछा होता तब आता 1995, जिसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज की बात हुई थी, 7 की, इसमें 21 की हुई है, 14 और ऐड हुई हैं. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज के लिए मोस्ट प्रोबेबली सेकंड लास्ट होगा. लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट. लर्निंग डिसेबिलिटीज को आप कैसे असेस कर सकते हो, फटाफट से बताओ. डायग्नोस करके, डायग्नोस करोगे ना लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए कि समस्या है कहां, निदान करोगे अगर आपको थोड़ा सा भी शक है तो, गैप का पता लगाओगे. क्वेश्चन नंबर 46 आज के लिए लास्ट. डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है. अच्छा अभी तो और क्वेश्चन है. मेंटल डिसऑर्डर से, मैथमेटिकल डिसऑर्डर से या रीडिंग डिसऑर्डर से. आपको पता है डिसलेक्सिया का सीधा मतलब है रीडिंग डिसऑर्डर, पठन संबंधी विकार को हम डिसलेक्सिया कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 47 देखिए. डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद डिफिकल्टीज इन, मेनली लिखा है, मुख्य रूप से जो डिफिकल्टी है वो डिसलेक्सिया वाले बच्चे को किस में होगी, मेनली पूछा, मेनली तो आप कहेंगे रीडिंग में. अगर रीडिंग राइटिंग दोनों दिया होता तब आप उसके साथ चले जाते, लेकिन मेनली पूछा था तो सिर्फ रीडिंग. इसके साथ भी अगर आएगी कहीं प्रॉब्लम तो राइटिंग में भी आएगी, क्योंकि ऐसा बच्चा सही कैसे लिख लेगा जो गलत पढ़ता है. तो आउट ऑफ 47 आपके आज के डिस्कशन के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस ठीक हुए ये आप कमेंट में बता दीजिएगा. और किसी का कहीं डाउट हो, एक आध क्वेश्चन में कुछ रहता हो, क्योंकि कई बार होता है फ्लो में चीजें होती चली जाती हैं, कई बार मान लो, वैसे ये 1% चांस होते हैं, ऐसे एक भी नहीं होते जनरली, मैं रिपीट कर देती हूँ उस क्वेश्चन में कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं. अगर किसी को कोई डाउट रहा हो किसी क्वेश्चन में, जल्दीबाजी में या फ्लो में कुछ गड़बड़ हुई हो तो. बाकी वेल क्या कहें, मैच्ड आंसर होते हैं ऑफिशियल की के थ्रू. ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, गले की बैंड बज गई है. अब एक दो टॉपिक ही बचे हैं आपके, फिर हम प्रीवियस ईयर की तरफ जाएंगे और ईवीएस शाम में शुरू कर देंगे, होपफुली कल नहीं तो परसों से कर ही देंगे. इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि है लेट्स लर्न स्क्वाड, है ना. यही छोटी सी बात है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 61 मिनट तक जुड़े रहे. ठीक है, अरे धन्यवाद. कोलबक का PDF शेयर तो कर दिया था मैंने कल, या नहीं किया. मैराथन सेशन यार, एक एक घंटे से कम तो यहां भी सेशन नहीं चल रहा पिछले इतने दिनों से. करा देंगे मैराथन भी, अभी 5 सेशन लिए, उन्हीं को देख लो दो दो घंटे के पहले जाके. चलिए कल बात करेंगे फिर. बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, गुड नाइट. कल मिलेंगे 9:30, तो मिलेंगे ही मिलेंगे.